हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ आर यू स्टूडेंट, आप लोग आज कैसे हैं, सब लोग ठीक हैं? तो आज हम लोग सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेट जो है वो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इसके एप्लीकेशन पार्ट आते हैं एग्जाम में, जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही बताया था सेट्स के बारे में। तो सेट्स जो है उसके बाद रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, फिर कैलकुलस के पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो सेट जो है, सेट में हमारा था पिछले क्लास में हम आपको बताया थे पावर ऑफ द सेट, पावर ऑफ द सेट के बारे में जो है बताए थे। उसके बाद जो है सेट्स जो है वो कैसे सबसेट होता है एक दूसरे का, मीन्स हर एक सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है, इसके बारे में भी आपको डिस्कस किए थे। फिनाइट सेट के बारे में भी डिस्कस किए थे, इनफिनाइट के सेट के बारे में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, पिछले क्लास में इन सब के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ द सेट। ठीक है, कि दो सेट का जो है वो यूनियन क्या होता है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कि दो सेट्स का जो है वो यूनियन क्या होगा। तो सपोज हियर इज सेट ए। ठीक है, तो सेट ए में जो है कुछ एलिमेंट आप मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, बी में आप, बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स जो है इसके बी सेट के वो आपके ये हो गए 2, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गए ए सेट में। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड बी सेट में आपके एलिमेंट हो गए 2, 5, 7, 9, 11, 13। तो यूनियन दोनों का आपको निकालना है। तो यू हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। तो सेट ए और सेट बी का यूनियन आपको बताना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देखो दोनों सेट में जो कॉमन है वो भी एलिमेंट आएंगे, और जो दोनों सेट में कॉमन नहीं है वो भी एलिमेंट यूनियन में आते हैं। तो ए यूनियन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा, 11 भी होगा, एंड 13 भी होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी विल बी द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, एंड ऑल्सो द एलिमेंट विच आर नॉट कॉमन इन ए एंड बी। जो दोनों में क्या होंगे, ए और बी में कॉमन नहीं होंगे, वो भी एलिमेंट ए यूनियन बी में क्या होंगे, लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया है दो सेट का यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट। इसके बारे में हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा 1, 2, 3, इसमें ये सभी क्या होते हैं, इसके एलिमेंट कहे जाते हैं। तो ये आपको, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका सिंबल होता है यूनियन का इस तरह से। ठीक है, तो यू कैन जो है यू कैन सी हियर कि ए यूनियन बी में यूनियन का सिंबल इस तरह से होता है, और इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। कौन कौन से दोनों सेट्स हैं, ए एंड बी। तो ए और बी का यहाँ पे आप यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड दैट कि जो भी कॉमन होंगे ए और बी दोनों में, जो कॉमन होंगे एलिमेंट एज वेल एज जो दोनों में कॉमन नहीं होंगे वो भी एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बाय द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हम समझते हैं, सपोज इसको वेन डायग्राम हम लोग बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, दिस इज ए सेट आपका है, दिस इज बी सेट। ठीक है, तो ए सेट है और बी सेट है, तो इस तरह से आप इसको लिख लो, ए सेट इज हियर लाइक दिस एंड बी सेट इस तरह से आप। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका कौन सा पार्ट इसमें से हो जाएगा। कैन यू टेल मी अबाउट दिस, कि ए यूनियन बी अगर हम बोले, तो ये आपका यू है, इसको बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो आप देखो ए यूनियन बी, सेट ए है और ये आपका सेट बी है,
इसका यूनियन मीन्स वॉट? वी हैव टू फाइंड आउट कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ये पार्ट होगा, पूरा ए का पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो ये पार्ट जो है, दिस पार्ट इज इंक्लूडेड इन बोथ ए एज वेल एज बी, ठीक है। तो इस पार्ट को भी हम इसमें काउंट करते हैं, ए यूनियन बी में इस पार्ट को भी काउंट करेंगे। तो पूरा ए को काउंट करेंगे और उसके बाद ये पूरा बी को, तो ये पार्ट जो होगा वो पूरा हो जाएगा आपका ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन होगा वो भी लेंगे, एज वेल एज जो कॉमन नहीं होगा वो भी लेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है ए यूनियन बी। तो दिस इज द वेन डायग्राम मेथड दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय डायग्राम, ठीक है। तो ये आप डायग्राम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसको आप इजीली जो है समझ सकते हो कि ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए जो है और बी दोनों पार्ट होंगे, एज वेल एज दोनों में जो कॉमन होगा वो भी इंक्लूड होगा। तो दिस इज द वेन डायग्राम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ए यूनियन बी। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनियन के बाद इंटरसेक्शन, ठीक है। तो राइट डाउन ऑल दिस, इसके बाद इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इसको थोड़ा सा और इसमें समझ लो आप कि ए यूनियन बी में क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी ये आपका हो गया, इसको ए प्लस बी से भी डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस इज ऑल्सो रिटन इज इन दिस फॉर्म। तो ए यूनियन बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस बी, ए भी है और इसमें बी भी है, ठीक है। और इसको हम लोग और भी इस तरह से लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज रिटन एज एक्स, वेयर x belongs to A और x belongs to B, जब भी और का सिंबल आए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, यूनियन आपका होगा। तो क्वेश्चन में आप यहाँ पे समझोगे, क्वेश्चन में जब भी और लिखा रहे, क्वेश्चन में जब भी और का सिंबल आए तो उस केस में यूनियन का आपको यूज करते हैं, ठीक है। तो यूनियन आप इसको लिखो, उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेट में, सेट्स में देखेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि दो सेट्स के इंटरसेक्शन के बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, टू सेट्स। तो टू सेट्स का इंटरसेक्शन हम लोग देखेंगे। तो हेयर इज व्हाट, सपोज सेट ए, इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, पहले समझ लो कि इंटरसेक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, टू सेट है तो ए आपका सेट हो गया, ए में एलिमेंट आप सपोज कर लो 2, 4, 6, 3 एलिमेंट है, ठीक है। बी जो है वो आपका हो जाएगा 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किस तरह से डिनोट करेंगे, देखो इस तरह से आप जो है इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, या इसको हम लोग ए बी भी बोलते हैं, और ए बी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई बोथ टू मैथड्स, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए बी, तो इंटरसेक्शन इज वॉट, this is called the symbol of intersection, this is intersection A intersection B, इसको हम लोग बोलते हैं A intersection B, this is the symbol of intersection here, तो A intersection B is this, is it clear? या इसको ए बी भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ए बी जो होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन्स वॉट, जो भी एलिमेंट मीन्स द एलिमेंट विच आर कंटेंड इन बोथ सेट A एज वेल एज B विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ A and B, ठीक है। तो जब दो भी जिस भी सेट्स का अगर इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा, तो दोनों में जो कॉमन होगा, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि A और B दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही A और B दोनों के क्या होंगे, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, तो देखो आप दोनों में, सेट A में और सेट B में दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन आपका है 4 और 6, 4 और 6, दोनों में आपका 4 और 6 क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो आप 4 और 6 इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, तो 4 और 6 इसमें कॉमन है, तो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का भी हम देख लिए, और इस तरह से हम फाइंड आउट भी करते हैं दो सेट्स के इंटरसेक्शन को। अब हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कैसे जो है वो सेट को, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आप देखो, सपोज दिस इज सेट ए, सपोज दिस इज सेट ए एंड नेक्स्ट इज व्हाट, सेट बी इज गिवन अवे,
तो सेट ए एंड सेट बी, ठीक है जी, सब लोग समझ रहे हैं? ओके, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. तो अब इसमें देखो कॉमन पार्ट कौन सा है, व्हाट इज कॉमन इन बोथ टू बोथ सेट ए एंड बी. तो कॉमन पार्ट आपका ये वाला है, ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है. दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी. मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट is the common element, common elements of both the sets, we can say both the sets. तो A intersection B क्या होगा, वो उसमें common element होंगे दोनों सेट्स के. तो बोथ द सेट्स कौन से, ए एंड बी. तो ए और बी जो होगा उन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी. तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है. तो आपको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में इसको हम देखें तो ये होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज व्हाट इज द सेट contained in both set A and B, set A and set B. तो you can understand easily, ठीक है. तो ये आप Venn diagram से भी आप देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो. अब आपके question एक ये हो सकता है कि sir, if there is no element common in both the set A and B, then what will be the answer of the A intersection B? तो उस केस में A intersection B का आंसर क्या होगा, जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे तो आंसर क्या होगा, 5. आंसर हो जाएगा आपका 5. फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे. एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, देखो A इज इक्वल टू समथिंग इज गिवन ओवर हियर 3, 4, 5, ठीक है. A आपका सेट है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3, 4, 5. बी आपका सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 6, 8 और 10. तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम फाइंड आउट करें, तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखते हैं, इस केस में आप देखो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या प्रेजेंट. देखो ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 3, 4, 5 है, और बी में 6, 8, 10 है. तो दोनों में कोई एलिमेंट ऐसे नहीं प्रेजेंट है जो कॉमन है, ठीक है, दोनों सेट में. इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5, मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी, मीन्स इंटरसेक्शन की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी, इसलिए कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है. तो ओके, इज इट वेरी इजी, यस. तो देन राइट डाउन ऑल दिस एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है. तो नेक्स्ट इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है. तो अभी हमने पढ़ा यूनियन, इंटरसेक्शन एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दो सेट्स के डिफरेंस के बारे में, ठीक है. तो आई विल डिस्कस विथ यू द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. इसमें देखेंगे, सपोज हेयर इज टू सेट ए एंड बी, तो सेम एज जैसे हमने पहले माना, तो दो सेट हम मानते हैं ए एंड बी. इसको डिफरेंस मीन्स आप समझते हो, डिफरेंस मीन्स क्या, सब्ट्रैक्शन. तो ए में से क्या करना है, हमें माइनस करना है किसको, बी को, वही तो डिफरेंस होगा टू सेट्स का. तो ए माइनस बी विल बी द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सपोज ए, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं. एग्जांपल नंबर 1, ए इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है आपको 1, 3, 5, 6, 7. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके. तो बी आपको दिया हुआ है, ए जो है सेट है कितने एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का. कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 3, 5, 6, 7, ठीक है. तो ए जो है उसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 6, 7. बी में कौन सा एलिमेंट है, तो मान लेते हैं 5, 6, 8 और 10. तो ए माइनस बी विल बी रिप्रेजेंटेड एज, ए माइनस बी क्या होगा, उस केस में हमें ए माइनस बी निकालना है. तो ए में से वो वाला पार्ट आपको घटाना है जो बी में प्रेजेंट है, मींस ए में से आपको माइनस करना है बी को. तो ए में से अगर बी को माइनस करना है
मीन्स ए में से वो सभी पार्ट अगर जब अगर कॉमन होंगे ए और बी में कोई पार्ट कॉमन है तो उस पार्ट को हटा देना है ए माइनस बी में। तो देखो आप ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए हमारा क्या है, वन है, थ्री है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, इसमें एलिमेंट है। बी में फाइव है, सिक्स है, एट है और टेन है। तो ए माइनस बी विल बी रिटन एज, आप समझ सकते हो कि वन में से जो है वन तो इसमें है ही ऑलरेडी, तो वन तो होगा ही होगा। अब देखो थ्री है इसमें लेकिन थ्री दूसरे वाले में नहीं है तो थ्री भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब फाइव देखो, फाइव जो है वो हट जाएगा, फाइव जो है ए माइनस बी में जो हट जाएगा, इसलिए कि बी में प्रेजेंट है तो ए माइनस बी क्या होगा, बी वाले पार्ट को भी हटा देना, जो बी में प्रेजेंट है उसको हटा देना है इसमें से, ठीक है। तो फाइव हट जाएगा, सिक्स भी प्रेजेंट है, सिक्स भी हट जाएगा, सेवन प्रेजेंट नहीं है तो वन थ्री सेवन, ए माइनस बी केवल होगा वन थ्री सेवन, बी में जो भी प्रेजेंट है उसको हमें हटा देना है। इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, a minus b is written as a intersection of b bar, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो कि a intersection of b bar, b bar नहीं intersection नहीं कर लो इसको, आप union कर लो, ठीक है। b में जो नहीं है उसको union कर लो, intersection करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए कि intersection फिर हो सकते हैं phi हो जाए, तो a union b bar। अब केवल सिंपली समझो कि a माइनस बी जो है, इतना ये सभी लैंग्वेज में नहीं जाना है कि a यूनियन b बार में, a माइनस बी आपको सिंपली समझना है कि a में से वो सभी पार्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो b में प्रेजेंट है, बाकी जो बचेंगे वो a में होंगे। वेन डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से देखो आप, सपोज दिस इज सेट a एंड दिस इज सेट b, ए माइनस बी आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा। तो देखो ए में जो है, ए माइनस बी मीन्स ए में जो भी बी का पार्ट है, तो बी का पार्ट ये वाला पार्ट है इतना जो दोनों का इंटरसेक्शन है, उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स ए में से हमें बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वाला पार्ट कॉमन है, तो आपका बचेगा कितना, ए में से जब बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, दिस पार्ट यू विल गेट, दिस पार्ट यू विल गेट ओनली, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस पार्ट इज नोन एज ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी। अब आपका क्वेश्चन एक राइज होगा कि सर आपने ए माइनस बी तो डिस्कस कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है देयर कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट बी माइनस ए विल बी व्हाट, तो बी माइनस ए उस केस में क्या होगा, तो बी माइनस ए आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कि बी माइनस ए, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो b माइनस ए भी लिख सकते हो आप, ऑर्डर चेंज भी तो हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल ऑल्सो, तो b माइनस ए विल बी दिस पार्ट। अब b में से आपको a पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए वेन डायग्राम से क्लियरली, ठीक है। इससे आप भले हो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट वेन डायग्राम से आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। ऐसे दोनों आपको इस तरह से बताएं कि किसी में कन्फ्यूजन होने का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बट आप जो है इसको देख के समझ सकते हो। इसलिए b माइनस ए, तो b माइनस ए विल बी व्हाट, तो b में से आप क्या करोगे, a को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो b पार्ट में से हमें एक पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका देखो a पार्ट और b पार्ट जो कॉमन है ये भी तो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा ये पार्ट, तो बचेगा आपका ये पार्ट केवल बचेगा b माइनस ए में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये पार्ट आपका जो है वो रिमेनिंग होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसलिए कि देखो b पूरा आपका ये है और b में से a पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a जो है वो इतना ही पार्ट तो b में क्या हो रहा है, अंदर में जा रहा है, तो a पार्ट और b पार्ट में जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे, बाकी जो b का पार्ट बचा दिस वुड बी व्हाट, b माइनस a, तो ये आपका हो जाएगा b माइनस a। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये आपका जो है दो सेट्स के डिफरेंस के बारे में हम लोग देखें, ठीक है, कि कैसे जो है डिफरेंस जो है टू सेट्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आएगा और क्वेश्चन भी हम आपको डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड जो भी हैं, अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और जो है आपको पॉइंट याद रखना है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि सर a माइनस बी तो आपने लिख दिया बट इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का हम इसमें तरीका देखेंगे, इसमें आपका हो जाएगा a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी, अब यहां पे हम लोग चलते हैं, a माइनस बी इज व्हाट,
अब देखो केवल ए का हमें चाहिए, ए का चाहिए मीन्स बी में जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब किसका इंटरसेक्शन हमें चाहिए। अब ध्यान से इस चीज को देखो, किसका इंटरसेक्शन हम लोगों को चाहिए, बी में जो प्रेजेंट नहीं है, बी में जो प्रेजेंट नहीं है वही तो ए से माइनस करेंगे। ए इंटरसेक्शन अगर बी बार कर देते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, जो बी में प्रेजेंट नहीं है तो वही तो होगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो बी में प्रेजेंट कौन सा नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, दिस वुड बी ए इंटरसेक्शन बी बार, ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार। तो आप देख सकते हो इसमें कि बी बार मीन्स बी का जो पार्ट है वो बी बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसको हम लोग बोलते हैं बी बार मीन्स व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या डैश भी बोल सकते हैं, बी बार या बी डैश भी बोल सकते हैं, जो बी में प्रेजेंट नहीं हो। तो दिस कैन इजली सेट, तो आप इसको समझो फिर से, मीन्स इसको देख लो आप कि बी बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मीन्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो बी में कौन सा प्रेजेंट नहीं है, ए वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी बार भी कैन से दैट। उसी तरह से सेम एज बी माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए बार, दिस इज ऑल्सो रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो b माइनस ए विल बी रिटन एज b इंटरसेक्शन a बार, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको सेट्स के फॉर्म में अगर थोड़ा सा लिखें एक्सप्रेस करके, तो ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b इज इक्वल टू, a माइनस b इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x वेयर x बिलोंग्स टू सेट a बट x डज नॉट बिलोंग टू सेट b, मतलब x जो है वो सेट a का एलिमेंट होगा लेकिन सेट b का एलिमेंट नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। तो b माइनस a विल बी रिटन एज ऑल्सो x वेयर x बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ सेट b, ठीक है। तो x जो है वो सेट b का एलिमेंट है बट x डज नॉट बिलोंग टू द एलिमेंट ऑफ सेट a, लेकिन x जो है वो सेट a का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिटन इन दिस फॉर्म, तो ये आपका एक जो होगा वो स्टैंडर्ड मेथड हो गया इसको लिखने का, इसको हम लोग बोलते हैं इस मेथड को हम लोग सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो देन राइट डाउन ऑल दिस एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, उसके बारे में पढ़ेंगे जो हम डिस्कस किए हैं अभी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आप लिख सकते हो, पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लिख लो, उसके बाद जो है वो टू सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आई विल डिस्कस विद यू, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सेट का। देखो ए जो है कोई सेट है, ठीक है, उससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू एक सेट मानते हैं, यू इज फॉर यूनिवर्सल सेट, आई हैव डिस्कस्ड विद यू अर्लियर कि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यू इज व्हाट, समहाउ 1 2 3 4 5 6 7 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ए इज व्हाट, ए इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, तो कॉम्प्लीमेंट को हम ए बार या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ए डैश और ए बार। तो जो सेट ए में नहीं होगा, जो यू में प्रेजेंट है वो बस हम लिखेंगे। तो ए बार मीन्स व्हाट या ए डैश, तो सेट ए में नहीं है, द एलिमेंट व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए विल बी ए बार और ए डैश। तो कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आपका हो जाएगा 1 2 6 और 7, ठीक है। तो 1 2 6 और 7 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ए बार क्या हो जाएगा 1 2 6 और 7, ओके। फिर नेक्स्ट इसमें देखो गया कि ए बार को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू माइनस ए, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज यू माइनस ए या ए डैश, एंड दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ
दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. इसको हम लोग बोलेंगे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा वेन डायग्राम से इसको समझेंगे. दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द वेन डायग्राम्स. तो वेन डायग्राम में देखो, सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट हियर यू. तो आपका ये जो हो गया वो यूनिवर्सल सेट यू हो गया, एंड दिस इज व्हाट ए सेट. ठीक है, सेट ए हो गया आपका ये, और दिस इज यूनिवर्सल सेट. तो आपका यू माइनस ए होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विल बी दिस पार्ट. ये आपका हो जाएगा यू माइनस ए. दिस इज व्हाट यू माइनस ए. तो ये आपका हो जाएगा यू माइनस ए. तो जो ए सेट में नहीं होगा, ठीक है, जो चीज ए सेट में नहीं होगा वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, ए डैश. जिसको हम लोग बोलेंगे ए डैश. और ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए. जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए. तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई वेन डायग्राम ऑल्सो. इसके बाद हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, तो हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस की कैसे हम कॉम्प्लीमेंट जो है वो दिखा सकते हैं दो सेट का, या किसी भी एक सेट का जो कॉम्प्लीमेंट, दो सेट का भी अगर आपको आए तो आप इजली जो है वो लिख सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, आप समझ लो इसको भी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स. इसमें देखो U आपको दिया रहेगा, U इज इक्वल टू व्हाट, तो U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, A आपको सेट दिया गया है, उसमें एलिमेंट है 2, 4, और B सेट है दूसरा, इसके एलिमेंट है आपके 3, 6. ठीक है, तो 2, 4, 3, 6. तो A डैश B, मतलब A B डैश इसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, A डैश B डैश भी बोल सकते हैं, या A B बार आप बोल दो. तो A डैश B डैश क्या होगा, U माइनस A B, और U माइनस A B विल बी व्हाट, U में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 और 4 को भी हटा दो, 3 और 6 को भी हटा दो, तो बचा आपका 1 और 5. तो इस तरह से होगा. इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम में समझते हैं कि A डैश और B डैश कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट का क्या होगा. तो दिस इज A एंड दिस इज B, ये दो सेट होगा, दिस इज U. ठीक है, तो दिस इज U, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, यूनिवर्सल सेट में कंटेंट है. तो U माइनस A, हमें U माइनस A B निकालना है. ठीक है, या U माइनस A यूनियन B भी बोल सकते हो आप इसको. तो इसको बोला जा सकता है U माइनस A यूनियन B भी बोल सकते हो आप, इस तरह से भी इसको लिख सकते हो. ठीक है, तो आप देखो भी इसमें A सेट और B सेट, तो दोनों में जो है दोनों का यूनियन, जो नहीं होगा दोनों में वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा. तो ये पार्ट आपका, दिस पार्ट इज नॉट कंटेंड इन ए एंड बी बोथ, मीन्स ए यूनियन बी में नहीं है. तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस पार्ट इज नोन एज यू माइनस ए यूनियन बी, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ द सेट ए एंड बी. दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी. ये दोनों सेट्स ए और बी दोनों का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोथ द सेट ए एंड बी. तो इसको हम लोग बोलेंगे दोनों सेट का ए और बी दोनों का क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट होगा. ओके, इसके बाद हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे. राइट ऑन ऑल दिस. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ में. ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद यू डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है हम लोग देखेंगे. इसमें देख सकते हो आप, फर्स्ट नंबर आपका इसमें जो लॉ है इसमें डी मॉर्गन्स लॉ का, ए यूनियन बी डैश, डैश मीन्स व्हाट, कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. इसको वेन डायग्राम से समझते हैं. ठीक है, तो ए यूनियन बी, दिस इज व्हाट
ए, सपोज दिस इज बी, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज यू, क्लियर है सबको? तो ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश इज व्हाट, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका ये हो गया, ठीक है? और डैश मींस क्या, जो इसमें नहीं है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, दिस पार्ट इज व्हाट, ए यूनियन बी डैश, दिस पार्ट इज ए यूनियन बी डैश, सो दिस पार्ट यू कैन से दैट दिस पार्ट इज व्हाट, ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश। अभी ये कैसे देखेंगे, ए डैश मीन्स व्हाट, ए में ये पार्ट नहीं है, इधर का पार्ट ले लूँ आप, और बी डैश दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए डैश और बी डैश, बी में जो नहीं है और ए में जो नहीं है, तो ये वाला तो पार्ट हो आपका, दिस पार्ट इज ओके। नेक्स्ट सेकेंड नंबर आप देखो, सेकेंड नंबर इसमें है नौ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, सेम एज इंटरसेक्शन बी डैश is equal to A dash union B dash, this we can write down, तो आप इसमें देख सकते हो same as A intersection B, this is A and this is B, तो A intersection is A intersection B, ये वाला part होगा, ये वाला part होगा A intersection B, ये दोनों का common जो है डैश मीन्स जो उसमें नहीं है, तो नहीं है कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं, ये सब पार्ट जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन दिस, तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है ये आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा, दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, मीन्स ए में जो नहीं है, ए में जो नहीं है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट है, और बी में जो नहीं है वो ये वाला पार्ट है, इसका इंटरसेक्शन, तो यही तो होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, समझ में आया? तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश ये हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, तो दिस यू कैन राइट टू, ठीक है? इसमें अब एक पार्ट आपको और, इसमें पार्ट नंबर थ्री, ये आपके दो जो है वो इस तरह से इम्पोर्टेंट जो है वो आपको यूज होंगे क्वेश्चन में, और इसको जो है यूज करके जो है हमें आगे करना है क्वेश्चन को, ठीक है? इसके बाद जो है कुछ लॉ है इसी के ऊपर, ठीक है, बेस्ड, उसको हम लोग देखेंगे, जैसे आपको इस तरह से दिया गया हो, ए एग्जांपल ए माइनस B union C, A minus B union C, ठीक है? सब लोगों को समझ में आ रहा है, A minus B union C is equal to, अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, what we can write down, A minus B union C को क्या लिखेंगे बताइए सब लोग, A minus B union C is equal to, what we can write, तो इसको क्या करना है आपको, same as bracket को हटा दो, ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी भी क्या राइट हो, और जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको लिखना है ए माइनस सी, सेम एज जो है फोर्थ नंबर जो पॉइंट, अब जल्दी सॉल्व करते हैं हम लोग, अब आपको ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, दिस बिकम्स ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी, आपको क्या करना है, ए में से बी हटा देना, जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे फिर यूनियन आ जाएगा, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट कुछ लॉ है, सबसे पहला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसी से रिलेटेड कुछ लॉज है, ठीक है, तो हम लोगों को एनालाइज करने हैं, देखने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फर्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सभी लोग जानते हैं, किस तरह से होता है, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरह से आपको लिखा होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, ये कैसे लिख सकते हैं बताइए सब लोग, इसको आप अलग अलग कर दो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा,
ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो दिस वी कैन राइट ऑन, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी होगा। दूसरा है आपका सेकंड नंबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो दिस वी कैन राइट ऑन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ये आपका हो जाएगा ए यूनियन सी, दिस वी कैन राइट ऑन, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आपको पता ही है कि कौन सा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉमुटेटिव लॉ, कॉमुटेटिव लॉ, कॉमुटेटिव लॉ इज वेरी इजी, वी नो अबाउट दैट। ए जैसे दो सेट है तो आपका हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, वी कैन राइट डाउन बी यूनियन ए। जैसे कॉमुटेटिव लॉ में एडिशन में कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखते हैं, उसी तरह से आप लिख सकते हो ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ऑफ सॉरी बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो अब बस ए और बी के पोजीशन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एंड नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वी कैन राइट डाउन, ओके। तो कॉमुटेटिव लॉ के बाद नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ, राइट डाउन ऑल दिस, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके फिर हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के बाद, हमने देखा और डिस्ट्रीब्यूटिव जो है लॉ और कॉमुटेटिव लॉ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ के बारे में, तो नेक्स्ट हमारा होगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इज वेरी सिंपल, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इस तरह से आपका लिखा गया है ए यूनियन बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ। जैसे आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ते थे ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो सेम एज प्लस की जगह पे यहाँ पे यूनियन हमने लिख दिया है, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, सिंपल फॉर्म में ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी जो है ब्रैकेट में लिखा गया इस तरह से, और ए यूनियन बी को एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा आपका आता है यूनियन के बाद, दूसरा इसमें होगा इंटरसेक्शन का, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी को एक साथ लिखेंगे उसके बाद इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। इसको समझने की जरूरत नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में यूज होता है, काफी ज्यादा यूज नहीं है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हम लोग देखेंगे, उसको हम लोगों को रिमेम्बर कर अच्छे से ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका कोई सेट हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका लॉ है ए कोई सेट हो गया और उसका इंटरसेक्शन हम कराते हैं फाइ से, मीन्स नल सेट, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन फाइ विल बी व्हाट फाइ, इस केस में इसका आंसर जो होगा वो फाइ, मीन्स ए का हम इंटरसेक्शन करा रहे हैं, ए सेट है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, और उसका हम इंटरसेक्शन करा रहे हैं किससे, किसी भी एलिमेंट से इंटरसेक्शन नहीं करा, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में से कॉमन, क्या दोनों में कोई कॉमन पॉसिबल है, नहीं, इसमें दोनों में कोई कॉमन पॉसिबल नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन फाइ विल बी फाइ। सेकेंड नंबर आपका इसमें एग्जाम्पल होगा U intersection A, ठीक है, U is what? U about, what about U? U is universal set, और U का हम intersection करेंगे किससे, जिसके साथ, A के साथ, तो आप देखोगे U intersection A will be what? A, अब U और A दोनों में common क्या होगा? A होगा, easy है, this is very easy, कि U और A में common क्या होगा? A होगा, इसलिए कि U universal set में ही A contained होता है, this is called U, already आपको हम discuss कर चुके हैं, and this is A, तो U में ही क्या होता है, A कंटेंट होता है, तो U इंटरसेक्शन A विल बी व्हाट,
यही तो होगा क्या बच्चे, दोनों के इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड नंबर पॉइंट, यू यूनियन ए, ठीक है, दिस इज यू, दिस इज नॉट, ये यूनियन की तरह लग रहा है, देखो यू इस तरह से बना लो, यू यूनियन ए विल बी व्हाट, यू, तो ये आपका हो जाएगा यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यू, तो दिस विल बी यू, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यू इज व्हाट, यू इज हियर यूनिवर्सल सेट, तो यू के बारे में आपको समझना है, यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट हियर, तो यू जो होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और भी बहुत सारे इसके बनते जाएंगे लॉज, बहुत सारे लॉ हैं इसमें, आप जो है वो देख सकते हो। अब नेक्स्ट आपको इस तरह से लिखा गया, जैसे फोर नंबर ए डैश इंटरसेक्शन ए, ए डैश का ए से इंटरसेक्शन अगर हम कराते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है जो ए में नहीं है, उसका जो ए से इंटरसेक्शन कराते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फाइव हो जाएगा। क्या कोई एलिमेंट होगा प्रेजेंट? नो, इन दैट केस देयर इज नो एनी सिंगल एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो देन दैट केस द रिजल्ट विल बी व्हाट, फाइव, तो उस केस में रिजल्ट आपका फाइव हो जाएगा। फोर्थ फिफ्थ नंबर देखोगे, फिफ्थ नंबर आपका है जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऑलरेडी आप हम डिस्कस कर चुके हैं, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी, दिस कैन बी रिटेन एज यू माइनस ए यूनियन बी, तो दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन, ए डैश जो ए में नहीं है और इंटरसेक्शन बी डैश जो बी में भी नहीं है, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, जो ए और बी दोनों में नहीं है, दोनों का यूनियन माइनस कर देंगे। तो कैसे समझते हैं आप इसको, यू दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, तो देखोगे आप यू जो है ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश मीन्स व्हाट, दिस पूरा, ए को छोड़ के पूरा हो जाएगा, ठीक है, ए को छोड़ के ये वाला पार्ट भी होगा, लेकिन इंटरसेक्शन किसके साथ, बी को छोड़ के ये वाला पार्ट, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये वाला तो पार्ट होगा इसका इंटरसेक्शन बी, तो ये एक्चुअल में क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी है एक्चुअल में, ये दिस इज व्हाट, यू माइनस ए यूनियन बी, तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज व्हिच इज रिलेटेड टू दिस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट के बारे में, तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट और इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। डिसजॉइंट सेट के बाद है आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट्स, तो डिसजॉइंट सेट्स में आप देखोगे दो सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, तो दो सेट डिसजॉइंट सेट कब कहे जाएंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव होगा, मींस टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी विल बी फाइव, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग, फाइव। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, ये कंटेंट है टू सेट यूनिवर्सल सेट में, तो यहाँ पे हमें बात करना है ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ पे, मतलब दोनों में कॉमन, ए और बी में कोई पार्ट कॉमन है क्या, नहीं, नो नथिंग इज कॉमन इन बोथ ए एंड बी, तो हियर वी कैन से दैट कि बोथ ए एंड बी आर व्हाट, डिसजॉइंट सेट, यहाँ पे ए एंड बी क्या होंगे, दोनों ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो वी कैन से दैट कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स होंगे वो इस तरह से होंगे जिनका इंटरसेक्शन 5 होगा। लास्ट हमारा बचता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट्स, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, राइट डाउन ऑल दिस। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस को बोलते हैं ऑफ टू सेट्स, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस हम देखेंगे।
देखो दो सेट्स ए और बी है, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में. ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल इस वेन डायग्राम से हम समझते हैं, वेन डायग्राम से दिस इज व्हाट यू, आपका हो जाएगा यू एंड दिस इज ए, दिस इज व्हाट बी, ये आपका हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी. ठीक है, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा. तो इस केस में आपका जो है ए सिमेट्रिक मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस. ये आपका जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है. दिस इज रिटन एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ए माइनस बी मीन्स वॉट दिस पार्ट और बी माइनस ए इज दिस पार्ट और इसका क्या हो जाएगा यूनियन. तो ए माइनस बी और बी माइनस ए इसका हो जाएगा आपका, एक मिनट सॉरी इंटरसेक्शन होगा a माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए. ठीक है, तो a माइनस बी दिस पार्ट और b माइनस ए इज दिस पार्ट, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा फाइव हो जाएगा ना उस केस में. तो a इंटरसेक्शन b ये आपका यूनियन ही होगा. ठीक है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए. ठीक है, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए दिस यू कैन राइट डाउन, इसलिए इंटरसेक्शन है आपको फाइव हो जाएगा. तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए तो ये आपका पार्ट हो जाएगा. तो ए माइनस बी इज व्हाट दिस पार्ट और बी माइनस ए इज दिस पार्ट, दिस वी कैन राइट डाउन कि ए माइनस बी इज दिस पार्ट बी माइनस ए दिस पार्ट, इन दोनों का यूनियन और इन दोनों का यूनियन मीन्स व्हाट यही पार्ट हो जाएगा ए और बी का. तो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक बी, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस है. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. इसके बाद जो है हम लोग आगे जो है सेट्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसको फिनिश करते हैं और सेट्स से रिलेटेड कुछ एक दो और फॉर्मूलेस हैं वो डिस्कस करेंगे. नंबर एन ऑफ ए और यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट जो अभी है नंबर ऑफ एलिमेंट वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद जो है हम लोग जो है इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड. ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट हैव एंजॉयड माय दिस सेशन ऑफ वीडियो लेक्चर. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विथ आई विल कंटिन्यू द चैप्टर सेट. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू.